ओके बेटे। विजिबल मैम। ये हाँ जी ठीक है। ओके वेल, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द कंप्यूटर क्लास। आई होप एंड आई कैन फील दैट यू ऑल आर रियली वेरी एक्साइटेड टू स्टडी कंप्यूटर दिस ईयर बिकॉज वी डिडंट गेट अ चांस। यस मैम, वी डिडंट गेट अ चांस टू स्टडी कंप्यूटर लास्ट ईयर ड्यू टू दिस सिनेरियो। सो आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम एंड यू आर फॉलोइंग ऑल द हाइजीन practices. So let's start with the computer class. So we are going to follow this book. ये आपको उल्टी नजर आ रही होगी। कंप्यूटर बडी, मैं नेम बोल देती हूँ, कंप्यूटर बडी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI नंबर वन, राइट। तो ये लास्ट ईयर वाली ही बुक है, हमने इसको स्टडी नहीं किया था, इसी को हम इस बार स्टडी करेंगे इस बुक को। और अगर आपके पास बुक है तो आप सभी अपनी बुक अपने पास रखेंगे और एक पेंसिल अपने पास रखेंगे, ठीक है। इफ यू हैव योर बुक तो आप अपनी बुक अपने पास रखेंगे और एक पेंसिल, एंड वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ए मशीन। तो हम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। मोनिका मैम प्लीज टेल मी, वीडियो नजर आ रही है? अभी तो PPT आ रही है मैम। ये नहीं, ये वीडियो ही है जिसपे लिखा नेचुरल थिंग मैनमेड थिंग्स। यस यस, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैंने खुद ही एक्सप्लेन करनी है, दैट्स व्हाई। ओके बेटे, सो वी विल फर्स्ट लर्न नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। व्हाट आर नेचुरल थिंग्स एंड व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल थिंग्स की। तो जो भी थिंग्स हमें नेचुरली मिलती हैं, जो हमें नेचर से मिलती हैं, जिनको इंसानों ने नहीं बनाया है या जिसमें हमने कोई किसी तरह का, जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, जो भगवान जी ने हमें दी है, जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं। तो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो नेचुरल थिंग्स हैं। सिमिलरली मैन मेड थिंग्स, तो जो भी हमने ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, वो सारी चीजें क्या है, मैन मेड थिंग्स, क्योंकि हमने उसे खुद ही बनाया है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, अभी मैं आपसे भी पूछूंगी बाद में कि कौन कौन सी चीजें नेचुरल है और कौन सी मैन मेड। तो पहले बात करेंगे नेचुरल थिंग्स की। तो आपको सबको साथ साथ में देखना है और ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये कौन सी पिक्चर है, इट इज अ सन। सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने तो नहीं बनाया सन को, ऑल द प्लैनेट सन, ये सभी किसने बनाए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं, सो दीज आर नेचुरल थिंग्स। सेकेंड इज मून, मून इज ऑल्सो ए प्लैनेट, सॉरी मून इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्लैनेट, ठीक है, ये हमें किसने बनाया है, नेचर ने हमें दिया है, ठीक है। थर्ड इज ट्री, ट्रीज आर नेचुरल थिंग्स, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। एंड लास्ट वन हियर आई हैव शोन इज अ फिश, फिश जो है दैट इज ऑल्सो लिविंग क्रिएचर, और वो हमारी तरह ही ब्रीथ करती है, ग्रो करती है। सेकेंड है, इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और नेचुरल थिंग की, दैट इज कैरेट, ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर ऑल्सो कैरेट। नेक्स्ट इज फायर, फायर हमें पता है ना, हमें इसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउड एंड वॉटर ड्रॉपलेट, दैट इज रेन, रेन इज ऑल्सो नेचुरल, हम रेन तो पैदा नहीं कर सकते ना, सो रेन हमें भगवान जी ने दी है। नेक्स्ट आर, जब रेन खत्म हो जाती है तो फिर क्या आती है हमारे पास, रेनबो, तो रेनबो जो है वो भी नेचुरल है, ठीक है, क्योंकि वो बारिश के बाद अपने आप ही आती है, हम उसको बना नहीं सकते। सो हमने कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स के बारे में स्टडी किया अभी, सन, मून, ट्री, फिश, कैरेट, रेन एंड अ रेनबो और फायर, जिसको हमें टच नहीं करना है, बट इट इज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट है मैन मेड थिंग्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी मैन मेड थिंग है, इससे आप प्ले करते हो, यू लव टू प्ले विद इट, इट इज अ बॉल, आप बॉल के साथ खेलना पसंद करते हो ना, ठीक है।
नेक्स्ट, इससे हमें टाइम पता चलता है. कौन टाइम बताता है हमें? क्लॉक. हमें क्लॉक से टाइम पता चलता है और ये ह्यूमंस ने इसको क्रिएट किया है. ठीक है, ये हमें नेचुरल नेचर ने दिया है. नेक्स्ट, अभी ये क्या बन रहा है? कैन यू गेस? इट इज अ बाइसिकल. यू लव टू राइड विद इट, राइट? आपको इस पे बाइक पे जाना, घर पे बाइक चलाना बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, नेक्स्ट है, गेस करो, गेस करो क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है ये. इट इज अ टेलीविजन. टेलीविजन इज ऑल्सो ए मैन मेड थिंग. इसको ह्यूमंस ने क्रिएट किया है. यस, नेक्स्ट इज अ कार. हमें कार में राइड लेना बड़ा पसंद है. हमें कहीं पे दूर जाना है तो हम कार में ही जाते हैं. हमें बड़ा मजा आता है कार में जाना, सॉन्ग्स प्ले करना, राइट? एंड लास्ट वन आई हैव शोन हियर इज अ कंप्यूटर, राइट? तो कंप्यूटर इज ऑल्सो ए मैन मेड थिंग. तो हम अब डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन सी मैन मेड थिंग देखी. बॉल, क्लॉक, बल्ब इज ऑल्सो मैन मेड, टेलीफोन, साइकिल, कार, टेलीविजन, कंप्यूटर, ऑल आर मैन मेड थिंग्स. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हम आगे, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट. हमने दो तरह की चीजों की बात की. कौन कौन सी चीजें थी? नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. तो नेचुरल थिंग्स कौन सी है? थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड, सॉरी ये गलती गलती से लिखो गया, आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. और मैन मेड थिंग्स कौन सी है? थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, जिनको इंसान ने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए. आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. तो अगर आपको लगता है कि वो नेचुरल थिंग है तो हम उसको सॉरी अगर आपको लगता है कि वो नेचुरल थिंग है तो हम उसको एन लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो मैन मेड है तो हम उसको एम लिखेंगे. तो आपने चैट बॉक्स में आंसर देना. मैं आपसे पूछूंगी ये नेचुरल है या मैन मेड. अगर आपको लगता है कि वो नेचुरल है तो आपने उसके लिए एन लिखना है चैट बॉक्स में. अगर आपको लगता है कि वो मैन मेड है तो आपने एम लिखना है. तो शैल वी स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एक्साइटेड टू डू दिस एक्टिविटी. जल्दी से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में. आपको आता है देना? आपको थम बॉक्स देना आता है बेटे? यस, ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज, आपको गेस करना है ये क्या है. इट इज अ ट्री. तो आप मुझे बताइए, लिखिए, अगर ये नेचुरल, आपको लगता है ये नेचुरल है तो टाइप एन, अगर आपको लगता है मैन मेड है तो टाइप एम. यस, पविका, मोक्षदीप, पलक, तनीषा, कृष्ण, सबने लिखा है एन, बिकॉज ट्री इज अ नेचुरल थिंग, इट इज अ लिविंग थिंग. नेक्स्ट, अब ये क्या है? इट इज अ मोबाइल फोन. आपको बताना है इट इज नेचुरल और मैन मेड. ये मैन मेड है. वेरी गुड दिव्यम, यशदीप, गुरसिमर, जसनूर, आरवी, गुरवीर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं. सो नेक्स्ट इज, व्हाट आर दीज? दीज आर बुक्स. यू लव टू स्टडी बुक्स और नॉट? डू यू लव रीडिंग? तो आपको बताना है ये नेचुरल है ये या मैन मेड है. हर्लीन इज राइटिंग नेचुरल, बुक्स आर नेचुरल. बेटे हम खुद बुक्स बनाते हैं या फिर बुक्स हमें नेचर देती है? सो दीज आर मैन मेड. नेक्स्ट इज मून. तो मून जो है, मून मैंने पहले भी, हमने मून के बारे में डिस्कस किया था. मून मैंने पहले गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट. मून इज अ सैटेलाइट. हमारे अर्थ जो प्लैनेट है उसका सैटेलाइट है मून, एंड इट इज अ नेचुरल थिंग. ये हमें नेचर ने ही दी है. इट इज अ सैटेलाइट विच इज नेचुरल. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेरी गुड. सुगम, गुरबीर, हरलीन, वेरी नाइस. शुड वी मूव फर्दर? सॉरी, हाँ. सो दिस इज अ कार. यू लव टू राइड अ कार? ये तो अच्छी रेसिंग कार है ना. बॉयज मस्ट बी लविंग दिस, राइट? सो इट इज मैन मेड. वेरी नाइस, गुड. ऑल आर पार्टिसिपेटिंग वेरी एंथुजियास्टिकली एंड आई एम जस्ट लविंग दिस थिंग फॉर यू. वेरी नाइस बेटे. एम मैन मेड, मैन मेड. रणवीर, नमेश, यशराज, गुड, वेरी गुड.
लास्ट वन आई हैव हियर इज अ बर्ड. सो बर्ड नेचुरल है या मैन मेड? नवल, सहजप्रीत, सोनिया, मनाया, अमरिंदर, आरवी, समर कुमार, पलक, अभिजोत. वेरी गुड, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग सो वेल. आई एम फीलिंग यू आर सो एक्साइटेड फॉर दिस क्लास एंड यू आर सो मच अटेंटिव. रियली वेरी गुड ऑन योर पार्ट. लास्ट वन इज हियर इज अ माउंटेन. माउंटेन नेचुरल है या मैन मेड? क्विकली गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. हिमांशु, हरलीन, मुस्कान, सहज, कृष्ण, पलक, सुगम, सभी एंड सभी लिख रहे हैं नेचुरल. वेरी नाइस. तो नेक्स्ट, चलो बेटे अब इसको हम यहीं पे बंद करते हैं, फिर आगे मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप दोबारा चैट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है? तो नेक्स्ट वी हैव इज, हम मशीन की बात करेंगे. मशीन क्या है? मैन मेड थिंग. तो कोई भी चीज जो आपका काम ईजी कर दे, ठीक है, जिससे काम करना हमारे लिए ईजी हो जाए, दैट इज अ मशीन. तो दो तरह की मशीन होती है हमारे पास, वन इज मैनुअल एंड सेकेंड इज ऑटोमेटिक. अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये क्या आ गया है, मैनुअल और ऑटोमेटिक क्या है? तो हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैनुअल क्या है? वो सारी चीजें जो हम हाथ से चलाते हैं, वो सारी मशीन्स जो हम हाथ से चलाते हैं, एंड वी यूज एफर्ट्स ऑन देम. दीज मशीन्स गिव रिजल्ट. जब हम उनके ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं तो ये मशीन्स हमें रिजल्ट देती हैं. तो अब आपने मुझे चैट बॉक्स में एक मैनुअल मशीन का नेम बताना है जल्दी से, ठीक है? फिर मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी मैनुअल मशीन्स हो सकती हैं. कंप्यूटर इट्स नॉट मैनुअल. कोई भी मैनुअल, कोई भी ऐसी मशीन जिसको हम हाथ से चलाते हैं. सीजर, वेरी गुड. सीजर से हम हाथ से कटिंग करते हैं. वॉशिंग मशीन, फोन, नो, दीज आर नॉट मैनुअल. सीसॉ, टीवी इज नॉट मैनुअल. लाइटर, यस. लैम्प, वॉशिंग, नो. वॉशिंग मशीन मैनुअल नहीं है बेटे, वो मशीन है बट इट इज नॉट मैनुअल. हम आगे पढ़ेंगे, वो ऑटोमेटिक में आ जाती है. नाइस, गुड. लैम्प, वेरी गुड. साइकिल, यस. हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है साइकिल चलाने के लिए. सुइंग मशीन, गुड. वो हम ऑटोमेटिक आती है वैसे, बट मैनुअली भी हम उनको चलाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मैनुअल. रिमोट, नहीं, रिमोट इट्स नॉट मैनुअल. पेंसिल, यस यू कैन से, बट कैन वी कंसिडर पेंसिल एज अ मशीन? चलो वो भी हमारा काम तो इजी करती है, ठीक है. ग्राइंडिंग मशीन, नो इट्स नॉट. हाँ चलो ठीक है, जो हाथ से चलाने वाली होती है. ओके, कार, कंप्यूटर आर नॉट मैनुअल. चलो ठीक है, तो हम बात करेंगे अब एग्जाम्पल्स. तो सबसे पहली एग्जाम्पल आपको क्या नजर आ रही है? इट इज अ सीसॉ. तो जब सीसॉ पे आप खेलते हो तो अगर आपको नीचे आना है तो यू हैव टू पुट एफर्ट्स. अगर आप चाहते हो कि आपके सामने जो भी आपका कंपेनियन बैठा है वो अब ऊपर मूव करे, आप नीचे मूव करो, तो आपको जोर लगाना पड़ता है ना. सो यू आर पुटिंग एफर्ट्स. सो दिस इज अ मैनुअल मशीन. नेक्स्ट इज लेमन स्क्वीजर. तो अगर हमें हाथ से लेमन को स्क्वीज करना पड़े, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट? तो अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी से लेमन को स्क्वीज करें और वो प्रॉपरली स्क्वीज हो जाए, तो उसके लिए हम लेमन स्क्वीजर यूज कर सकते हैं और हमें हाथ से ही उसको एफर्ट लगाना पड़ता है. जोर तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हमारा टास्क जो है वो इजी कर देता है. नेक्स्ट इज अ हैंड फैन. ठीक है, ये ऐसे हैंड फैन की मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है, या फिर आपके घर में वो हम जिसे पंजाबी में पक्खी बोलते हैं, गर्मियों में जब कई बार समर सीजन अब आने वाला है तो लाइट चली जाती है, तो हम उसके थ्रू जो एयर है वो ब्लो करते हैं, ठीक है, हमें उससे थोड़ी राहत मिलती है, हवा मिलती है. तो हमें उसे हाथ से ही चलाना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो ये सारी चीजें क्या है हमारी? मैनुअल मशीन्स. बाइसिकल, सब बहुत सारे बच्चों ने बाइसिकल लिखा था. सो बाइसिकल को चलाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल नहीं पड़ता, कोई पेट्रोल, कोई डीजल नहीं डालना पड़ता, कोई इसमें इंजन नहीं है, तो हमें इसको पैडल्स को चला के ही इसको चलाना पड़ता है, राइट? तो नेक्स्ट आ गई हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स. तो वो सारी मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल पे वर्क करती हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स. दीज मशीन्स डू नॉट नीड आर एफर्ट्स. तो हमें डायरेक्टली कोई ज्यादा एफर्ट्स इन पे नहीं लगाने पड़ते,
हमारा काम ये खुद ही करती है, ऑटोमेटिकली करती है। तो अब फिर से अब आपके लिए टास्क आ गया, एक आपको ऑटोमेटिक मशीन की एक एग्जांपल मुझे क्विकली बतानी है चैट बॉक्स में। फैन, आयरन, आयरन भी हम ऑटोमेटिक में ही डाल सकते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कार, फैन, यस, वॉशिंग मशीन, वेरी गुड, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, कंप्यूटर, वेरी नाइस, कार, स्कूटर, गुड, मिक्सर जूसर जो होते हैं घर पे, टेबल फैन या सीलिंग फैन या वॉल फैन, दे ऑल आर ऑटोमेटिक बिकॉज वी जस्ट प्रेस द स्विच, वो स्विच को हम ऑन या ऑन ऑफ करते हैं एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंगली, राइट। एसी, इलेक्ट्रिकल बेल, डोर, डोर तो मैनुअल है बट अगर इफ वी टॉक अबाउट सेंसर्स, डोर हैविंग सेंसर्स देन दे आर ऑटोमेटिक, दे जस्ट ओपन व्हेन वी गो नियर टू देम। डोर बेल, यस, स्विच, मोबाइल फोन, लैम्प, वेरी गुड। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। सो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने जो दी है दैट इज अ फैन, सो फैन इज एन ऑटोमेटिक मशीन। नेक्स्ट इज योर रेफ्रिजरेटर। ओ वाओ, देयर इज सो मेनी टेबल्स, मुझे तो भूख लग गई देख के इनको। आपको भी लग रही है भूख? चलो अब आप क्लास के ओवर होने के बाद आप अपना लंच लेना सभी, ठीक है? अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रिज इज एन ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है? तो अब आपकी बुक के ऊपर ये एक्टिविटी दी हुई है छोटी सी बेटे, ऑन पेज नंबर 7। इफ यू हैव योर बुक, अगर आपके पास बुक नहीं है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आपने बाद में भी लेनी है तो आपने, मैं आपको इसके बाद ये जब चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगी, प्रोबेबली नॉट टुडे बट जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर उसके बाद मैं सारी पीडीएफ भेजूंगी ऑफ द बैक एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज इन द चैप्टर, तो आप वहां से देख के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो जिनके पास बुक है आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, तो आपको क्विकली लिखना है कि इनमें से कौन सी मशीन ऑटोमेटिक है और कौन सी मैनुअल है। अगर ऑटोमेटिक है देन यू हैव टू राइट ए फॉर दैट, अगर मैनुअल है देन यू हैव टू राइट एम फॉर दैट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली सॉल्व इट ऑन योर बुक। तो अभी हमने डिस्कस किए हैं सारी मशीन्स के बारे में, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो अब आपको बताना है, अपना ब्रेन यूज करना है अब आपको कि ये मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक है। सो यस, टाइम इज रनिंग, क्विकली डू इट फास्ट, ओनली 4 ऑप्शंस आर देयर, इट्स नॉट टू मच, क्विकली यू हैव टू डू इट। चलो इफ यू हैव फिनिश्ड विद इट देन गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। यस डन मैम, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया, गुरशीन, प्रियंवदा, एंजल, प्रीशा, मुस्कान, रणवीर, यस आपने डन लिख दिया है, गुड, वेरी नाइस, वेरी, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, थम्स अप इज ऑल्सो हेयर, यस। तो लेट मी शो यू द आंसर्स देन। द फर्स्ट वन इज अ वॉशिंग मशीन, इट इज अ ऑटोमेटिक मशीन, इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन, सो वी विल राइट ए फॉर इट। सेकेंड इज सीजर, सीजर इज अ मैनुअल मशीन, हम हाथ से ही इसको चलाते हैं, सो वी विल राइट एम फॉर इट। थर्ड इज अ लीवर, इसको हमें ये सामान को कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इट इज अ मैनुअल मशीन। एंड थर्ड वन इज, एंड लास्ट वन इज, सॉरी, फैन, टेबल फैन, इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन, सो वी विल राइट ए फॉर इट। सो लेट्स मूव फर्दर, अब आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स में व्हाट इज इट, ये क्या है, आपने देखा है पहले कभी, व्हाट इज दिस? सन, इज इट अ सन? गुरवीर, गुरवीर, मैं पीछे करती हूँ,
What is it? Computer. No, it's not a laptop. It's a पर्सनल कंप्यूटर. यस गुरवीर, अब उसने सही आंसर दिया है. ठीक है, तो आप कंप्यूटर में आप लिख सकते हो इसमें व्हाट इज, अगर आपसे मैं डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज अ कंप्यूटर, आप बता सकते हो व्हाट इज कंप्यूटर? कोई भी स्टूडेंट, इफ यू कैन रेज योर हैंड, अगर आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हरसिमर कौर, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट इज अ मशीन. हाँ मशीन भी ठीक है, पर कैसी मशीन है? इट इज अ मैनुअल मशीन और एन ऑटोमेटिक वन. कैसी मशीन है? इट इज अ मशीन, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड, सो कंप्यूटर इज ऑल्सो ए मशीन, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या फिर हम बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. वाई इलेक्ट्रॉनिक? बिकॉज इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कार है, कार जो है वो भी एक मशीन है, बट इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक. वेदर आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर दे रन ऑन पेट्रोल और डीजल, दे रन थ्रू फ्यूल. तो जो कंप्यूटर है दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सो इट मेक्स आवर वर्क इजी. ये हमारा काम इजी कर देता है ना कंप्यूटर. हम कोई भी काम इजीली इस पे कर सकते हैं. बहुत सारे काम है, हम आगे पढ़ेंगे हम कौन कौन से काम इसमें इजीली कर सकते हैं. सो हम पहले देखेंगे कि हम कंप्यूटर पे कौन कौन से काम कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. अगर आपको, मैंने यहाँ पे तीन पिक्चर्स इंसर्ट की हैं, इफ यू कैन सी, तो जो पहली पिक्चर आपको नजर आ रही है ये फर्स्ट वन, इसमें मैंने दिखाया है ये कंप्यूटर के अंदर आपके लोकल ड्राइव्स हैं. अब आप सोच सकते हो ड्राइव्स मतलब जैसे एक घर है, घर के अंदर अलग अलग रूम्स हैं, तो हर रूम के अंदर आप अलग अलग चीजें रख सकते हो. ऐसे ही हमने कंप्यूटर की पूरी स्पेस को, उसकी स्टोरेज स्पेस को हमने डिवाइड कर लिया है तीन चार पार्ट्स में, और हम उसमें अलग अलग चीजें जो है वो सेव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. ठीक है, फिर हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस भी होते हैं. आपने देखा होगा मम्मा या पापा के पास, दिस इज अ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव आपने देखी होगी, इसके अंदर हम अपनी मूवीज, सॉन्ग्स, या पापा और मम्मा अपना स्कूल का या ऑफिस का काम इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, एंड थर्ड वन इज अ सीडी. सीडी इज ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस. हम इस पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस पे ही हम इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस पे हम डाटा को सेव कर सकते हैं. तो कंप्यूटर जो है वो, सपोज आप कहीं पे घूमने गए हो, आपने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक किए हैं और आपने साथ में अपनी वीडियोस भी बनाई हैं, बिकॉज आजकल हम वीडियोस भी बनाते हैं, पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं, और आप चाहते हो कि मैं इनको सेव कर लूं बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली परमानेंटली सेव्ड इन माय फोन. तो आप अपने फोन से इसको किस पे रख सकते हो? कंप्यूटर में. और जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा. ठीक है, तो कंप्यूटर अपनी चीजें हमेशा अपने पास सेव करके रखता है प्रॉपरली. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स. जब भी आप, अब हम अगले वो आगे चैप्टर्स आएंगे, या होपफुली अगर आप स्कूल में आने लगोगे तो हम प्रॉपरली इसको कंप्यूटर पे आपको सिखाएंगे कि कैसे आप कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो, उनको सेव करके रख सकते हो. ठीक है, तो ये सारा टाइम जो है वो हम जो है सारी चीजें कंप्यूटर पे कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन लिसन टू म्यूजिक. आप म्यूजिक सुन सकते हो. ठीक है, हम अब गाने सुन सकते हैं इस पे, हम इसमें अपने सॉन्ग सेव कर सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन ही इंटरनेट के थ्रू सॉन्ग जो है वो कंप्यूटर पे भी सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज यू कैन वॉच कार्टून्स एंड मूवीज. अब समर्स आ जाएंगी, छुट्टियां हो जाएंगी, तो क्या करेंगे हम? टीवी पे देखेंगे कार्टून्स. पर लेकिन अगर कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जो हमारे मिस हो गए हैं ड्यू टू आर वर्क, हमने होमवर्क भी करना है, तो वो कार्टून्स या मूवीज हम कहाँ पे देख सकते हैं? कंप्यूटर पे देख सकते हैं. ओके, सो लास्ट वन इज टू डू कैलकुलेशन. तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर की पिक्चर डाली है. ये कैलकुलेटर आपको कंप्यूटर के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर आप
अपनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस भी होती हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, और कंप्यूटर क्विकली बहुत फास्ट जो है वो कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं, उसको पढ़ने से पहले आपको एक पिक्चर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। सपोज आपको पिज्जा बनाना है, पिज्जा खाना है, ठीक है। तो जैसे अब लास्ट ईयर लॉकडाउन था, अभी तो चलो फिर भी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, तो पिछले साल तो सब कुछ बंद हो गया था और आपका बड़ा मन कर रहा है पिज्जा खाने का, फिर क्या किया जाए। तो मम्मा ने ग्रोसरी स्टोर से थोड़ा सा सामान मंगवाया है पिज्जा बनाने के लिए। तो अब आप सोचो कि पिज्जा बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। आपको पिज्जा बेस चाहिए, उसके ऊपर लगाने वाली टॉपिंग्स चाहिए, सॉस चाहिए, फिर आपको टॉपिंग्स चाहिए वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। आपको कैसी वेजिटेबल्स डालनी है, आपको अनियंस डालने हैं, आपको पनीर डालना है, ठीक है, मशरूम्स आपको पसंद है या शिमला मिर्च आपको पसंद नहीं है, तो जो चीजें आपको नहीं डालनी और जो चीजें आपको डालनी है, वो सारी चीजें जिनसे आपका पिज्जा बनेगा वो क्या हो जाएंगी, आपकी इनपुट। फिर आप सारा पिज्जा का बेस रेडी करोगे, रेडी करने के बाद आप उसको डाल दोगे ओवन के अंदर। अगर घर पे ओवन नहीं है तो हम माइक्रोवेव में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पिज्जा को क्या करेंगे, बेक करेंगे। इट मींस उस टाइम क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, एक काम हो रहा है, ठीक है। और फाइनली जो आपके पास पिज्जा बन के आएगा, फाइनल पिज्जा जो आपको खाने में बड़े टेम्पटिंग लग रहा है और सबके मुंह में पानी आ रहा है पिज्जा के बारे में सोच के, वो क्या होगी, हमारी आउटपुट। ऐसे ही कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले पार्ट है इनपुट डिवाइसेस। तो जैसे अगर आपने कभी कंप्यूटर घर पे देखा है, आपके पास है, आपने कभी यूज किया है, या कहीं और पे मार्केट में, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, आपने कहीं भी कंप्यूटर देखा है, तो आपने देखा होगा कि एक कीबोर्ड है जिसके ऊपर कीज बनी हुई है और एक छोटा सा माउस है, ये जो माउस है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो जो सारे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है, जो डाटा हमें पहले चाहिए। जैसे पिज्जा बनाने के लिए हमें बेस चाहिए था, जो भी हमें टॉपिंग चाहिए थी, वेजिटेबल्स चाहिए थी, वो सारी हमारी इनपुट हो गई। तो वो इनपुट हम किसकी हेल्प से देते हैं, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे अब सोच रहे हो वो हमारा ओवन जो था वो प्रोसेस कर रहा था, ऐसे ही सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट जो है कंप्यूटर जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो क्या करता है, सारी चीजों को प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है और उनको सॉल्व करता है। जैसे आप उसको कंप्यूटर को बोलो टू और टू को प्लस करो, तो वो आपकी इनपुट हो गई और सीपीयू उसको फिर टू और टू को प्लस करेगा, और प्लस करने के बाद आंसर आपको कौन शो करेगा, आउटपुट डिवाइसेस। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मॉनिटर के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। तो मॉनिटर के ऊपर जो आपको नजर आएगा, दैट विल बी योर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आई थिंक ये गलत पिक्चर इंसर्ट हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दीज आर इनपुट डिवाइसेस, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस है जैसे हमारा मॉनिटर, जस्ट लिसन टू मी, डोंट कंसंट्रेट ऑन द पिक्चर। आउटपुट डिवाइसेस है हमारा मॉनिटर, हमारा प्रिंटर, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती हैं, दे आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे एक पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है। तो हम इनपुट जो है, इनपुट मींस गिविंग इंस्ट्रक्शंस, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको, कंप्यूटर को, और वो उसको सॉल्व करता है और हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। आउटपुट मींस जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है कि कंप्यूटर क्या है, हम कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हैं और कंप्यूटर के कौन से पार्ट हैं। तीन पार्ट है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है आपके लिए, विच वॉज द फर्स्ट मशीन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहली मशीन कौन सी थी, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड द आंसर इज अ व्हील, एक पहिया जिसको वुड से बनाया गया था, जो लकड़ी से बनाया गया था, दैट वॉज द फर्स्ट मशीन ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली है, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक। तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। हम अगर गलत क्वेश्चन उसको देंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है,
ठीक है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक। सो कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं कर सकता। अगर घर में आपके पर्सनल कंप्यूटर है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, अगर लैपटॉप भी है तो उसकी बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम। डिफरेंट टास्क कैसे, मतलब जैसे आप इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी चीज डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, प्लस साथ में आप सॉन्ग सुन रहे हो या आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो हम अलग अलग काम जो है वो हम सब काम एक साथ जो कर सकते हैं। या फिर सपोज आप गेम खेल रहे हो और साथ में आपने सॉन्ग्स भी प्ले किए हुए हैं, प्लस साथ में कोई चीज है जो डाउनलोड हो रही है इंटरनेट की हेल्प से आपके ब्राउजर पे, तो हम ये कंप्यूटर जो है वो सारे काम एक साथ कर सकता है। हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो एक काम एक बार ही कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सारे काम एक साथ कर सकता है। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। जैसे अब मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा थक गए हो, है ना, क्योंकि मैम बोली जा रहे हैं, आपको सुनना पड़ रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा थक गए, अब आपको लगता है कि अब खत्म हो जानी चाहिए, बस अब 2 मिनट्स ही रह गए हैं, ये क्लास अब खत्म होने वाली है, मैं इसको बस अब वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। इसमें हमारी एक चीज रह जाएगी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, हम इसको डोंट वरी सारे चैप्टर को हम एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो आपने घर पे देखा होगा, या फिर आप नेक्स्ट ईयर जब सॉरी नेक्स्ट ईयर नहीं, इस ईयर जब आप स्कूल में आने लगोगे, तो जब आप लैब में जाओगे तो आप देखोगे वहां पे जो भी कंप्यूटर हमारे पड़े हैं दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। तो जो सामने आपको नजर आ रहा है ये है हमारा मॉनिटर, ये कीबोर्ड, ये माउस और ये सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लैपटॉप। लैपटॉप मतलब लैप मतलब गोदी में, जिसको आप गोदी में रख सकते हो, बहुत हल्का है, ठीक है, तो आप इसको इजिली इधर उधर लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, और ये भी सेम एज आपके कंप्यूटर के जैसे वर्क करता है। नेक्स्ट इज टैबलेट। टैबलेट या फिर टैब भी हम इसको बोलते हैं, तो इसकी आपके फोन के जैसे ही होता है, उसमें बड़ा होता है, लेकिन इसमें कंप्यूटर के सारे फीचर्स इसमें होते हैं। कुछ टैब्स ऐसे भी है जिनमें हम सिम भी डाल सकते हैं, कुछ ऐसे है जो बिना सिम के काम करते हैं, तो टैब इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंप्यूटर। एंड लास्ट वन इज योर स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्यूटर, क्योंकि इट इज रियली क्योंकि कंप्यूटर इज ऑल्सो ए स्मार्ट मशीन, और जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो भी एक तरह के कंप्यूटर हैं। हम आजकल के फोन ऐसे तो नहीं है कि हम सिर्फ कॉलिंग ही कर सकते हैं, कॉलिंग के अलावा भी हम जो भी काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो सारे ही काम हम तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हम उसमें अपने कंप्यूटर में सॉरी फोन में भी कर सकते हैं। हम वीडियोस देख सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो रीकैप, हमने क्या क्या सीखा, हमने नेचुरल और मैनमेड चीजों के बारे में सीखा, मैनुअल और ऑटोमेटिक मशीन के बारे में हमने सीखा, हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर। इस सभी को हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक। आई गेस टाइम इज अबाउट टू फिनिश, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेल। And Monica ma'am? Yes ma'am. हाँ जी ma'am. Is the time over? Because yes ma'am, only 2 minutes are left. Okay, it is showing me only less than 1 minute na. So I hope बेटे you enjoyed the lesson. आपको समझ में आ गया होगा. Don't worry, अगर आपको कुछ नहीं समझ